नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। सरकार को करोड़ों का राजस्व देने वाली गौला नदी में खनन कार्य शुरू किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी क्रम में उत्तराखंड वन विकास निगम के प्रबंधक निदेशक धनंजय मोहन ने वन संरक्षक और डीएफओ के साथ गौला नदी का निरीक्षण किया, जिसमें खनन कार्य शुरू किए जाने से पहले वन विभाग और वन निगम द्वारा की जा रही तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने वन निगम और वन विभाग से आपसी सामंजस्य बिठाते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान उत्तराखंड वन विकास निगम प्रबंधक निदेशक धनंजय मोहन ने कहा कि खनन का कार्य स्थानीय रोजगार से जुड़ा मामला है, जिसको नियम के तहत ही खोला जा सकता है। इन्हीं तैयारियों के लिए निरीक्षण किया जा रहा है। जो शेड्यूल होता है उसके हिसाब से खोली जाएगी और इसके लिए निगम और वन विभाग के अधिकारी सब साथ हैं आज, और आगे भी विचार विमर्श करके जो नियत है उसी से खोलने का प्रयास होगा। सर आज बोलो, तो ऐसा है कि ये तो हमारी ऐसी नदी है जिसमें हम बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, चीज़ें काफ़ी सेट हैं और आपसी तालमेल से ही सारा काम होता है वन विभाग और वन निगम का। और ये आप जानते ही हैं कि स्थानीय आजीविका से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो बस जो हम शेड्यूल्स हमारे बने हुए हैं उन्हीं को फॉलो करने के लिए निर्देश दिए हैं।